कुत्ते के नूह से युवक की गोली मारकर हत्या की खबर है। नूह से इस वक्त की बड़ी खबर, मामूली कहा सुनी में युवक को गोली मारी। बदमाशों ने युवक के हाथ पैर भी तोड़ दिए। नूह से यह बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। नूह के रिठट गांव का मामला है, नूह के रिठट गांव का मामला। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मामूली कहा सुनी में युवक को गोली मारी, नूह से बड़ी खबर। खबर आ रही है कि मामूली कहा सुनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वजह केवल मामूली कहा सुनी थी और गोली चला दी गई, युवक की हत्या की गई। बदमाशों ने युवक के हाथ पैर भी तोड़े। मामूली कहा सुनी में पहले मारपीट और उसके बाद गोली मारकर हत्या, नूह के रिठट गांव का यह मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस पूरी वारदात की जांच में पुलिस जुट गई है, तहकीकात कर रही है पुलिस की इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया और मारने वाले कौन थे। यूनुस अलवी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यूनुस, तफसील से जानना चाहूंगी पूरी खबर। अनामिका, एक लड़का है फजल सलोफ हारून, करीब 22-23 साल की उम्र है। वैसे तो गांव में जिस तरीके से जानकारी है कि वो छोटे मोटे जराइम करता है जैसे चोरी वगैरह का, लेकिन गांव के ही कुछ बदमाश किस्म के हैं जो कई मामलों में बड़े वांछित हैं और इस तरीके से हैं। बताया कि दो तीन दिन पहले बदमाशों की और इस फजल की आपस में कोई तूतू में गाली गलौच हो गई थी और इसी बात से वो जो नाराज थे, तो बताया कि कल भी जो है उसको मारने के लिए वो बदमाश और उनके परिवार वाले जो है उनका पीछा करते रहे, लेकिन कल वो नहीं मिला। लेकिन आज जो है करीब जो है 3-4 बजे के आसपास जो है वो मिल गया। जो गांव का जो स्कूल है, रिठट गांव का मामला है और ये पुनाना पेनेगुआ थाने का गांव है रिठट, तो वहाँ का एक स्कूल है, वहां पर ये लड़का मिल गया। तो बता रहे कि 30-40 लोगों ने पहले तो इसको बुरी तरह लाठियों से हाथ पैर तोड़े और बाद में इसको 3 गोलियां मारी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को लेकर जो है मानिकेड़ा के अल आफिया अस्पताल में अनामिका उसको भेज दिया है पोस्टमार्टम कराने के लिए, लेकिन अभी भी जो परिजन है वो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। पुलिस तहरीर लिख रही है लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार ने कोई शिकायत नहीं दी। पुलिस का भी ये कहना है कि देखो मामला हत्या का है बिल्कुल, लेकिन अब कितने आदमियों के खिलाफ मामला पीड़ित देगा, तो जैसे ही शिकायत मिलेगी मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करा के शव का परिजनों को सौंप देंगे, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी अनामिका, चलिए बहुत शुक्रिया। हालांकि इसके बाद क्या कार्रवाई होगी और दूसरी सुर्खियों के लिए भी मैं जरूर लौटूंगी। फिलहाल धन्यवाद।